फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे पहले उन कोरोना मरीजों की कहानी जो अब ठीक हो गए हैं, जो अब स्वस्थ हो गए हैं और अपने घर पहुंच गए हैं। हालांकि 14 दिन अभी ये अपने घर पर क्वारंटाइन रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश भर के लोगों तक उनका वीडियो संदेश पहुँच सके। आइए हम आपको सुनाते हैं सबसे पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की नर्स पूनम की कहानी, जो अब स्वस्थ हो गई हैं और अपने घर पहुंच गई हैं। मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ स्टाफ नर्स की पोस्ट पे 6 महीने से जॉब करती हूँ। मैं यहाँ कल्पना चावला में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, इसके लिए मुझे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। मैं अपने पूरे प्रशासन का धन्यवाद करना चाहती हूँ, डायरेक्टर सर, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स और सफाई वाले, फोर्थ क्लास सभी ने मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रखा है। किचन वालों ने बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। मैं हर किसी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी 2 नेगेटिव रिपोर्ट आई है। मैं यहाँ 6 तारीख को एडमिट हुई थी और आज 12 को मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। और ले दिया भाई, मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपने घरों में रहे और लॉकडाउन का पालन करें, इसी में सबकी भलाई है। धन्यवाद। ये आपने सुनी नर्स पूनम की कहानी। अब हम आपको सुनाते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की डॉक्टर अंजलि की कहानी, जो फ्रंट लाइन पर रहकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रही थी, लेकिन इलाज करते करते वो भी कोरोना का शिकार हो गई। लेकिन अब उनका इलाज हुआ और उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुकी हैं। क्या कहा डॉक्टर ने, आइए इस संदेश में सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि सिंह कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कान्ना गला विभाग में कार्यरत हूँ। जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, अपने सभी सहकर्मचारियों तथा परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस कठिन समय में मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। मैंने आइसोलेशन वार्ड में अपना ज़्यादातर समय फ़ोन पे अपने परिवार वालों के साथ बात करके तथा अपने सीनियर से बात करके व्यतीत किया। जब आइसोलेशन वार्ड में मेरे पति तथा मेरी 2.5 साल की बेटी एडमिट हुए तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन समय था, लेकिन समय के साथ सभी ठीक हो गया। अभी मैं स्वस्थ हूँ। मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी प्लीज़ अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, हैंड हाइजीन तथा साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मैं पूर्णतः ठीक होते ही, क्वारंटाइन पीरियड अपना समाप्त होते ही अपनी ड्यूटीज़ को दोबारा से ज्वाइन करूंगी। अब हम आपको सुनाते हैं उस लड़के की कहानी जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और वो बिरचपुर गांव का रहने वाला था और कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब वो स्वस्थ हो गया है, अपने घर पहुंच गया है और घर पहुंचने से पहले उसने करनाल प्रशासन और हॉस्पिटल का धन्यवाद किया। सुनिए संदीप की कहानी उसी की जुबानी। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं 4 तारीख को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ था क्योंकि मेरा कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के डॉक्टर साहब ने, नर्सेज ने अच्छी तरह से मेरे को केयर किया, टाइम पर दवाई दी, टाइम पर खाना पीना दिया और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो जिन्होंने मेरे इस मुश्किल समय में इतना मेरा साथ दिया और मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और अच्छी तरह से मेरा ट्रीटमेंट किया। और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन करें, अपने घर पर रहें, इसी में सबकी भलाई है। धन्यवाद। ये वो लोग थे जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। ये लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर पर रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। करनाल प्रशासन और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम भी आपसे अपील करती है कि अफवाहों से बचें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना को पूरी तरह से हराया जा सके। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे ज़िले की कोरोना वायरस के संबंधित जो स्थिति है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की बात यह है कि 3 हमारे ऐसे केसेस थे जो 6 तारीख को पॉजिटिव आए थे। उसमें से एक हमारे यहाँ के डॉक्टर थे, एक हमारी पैरामेडिकल स्टाफ थे और एक बिरचपुर गांव से एक युवक था। इन 3 का 6 तारीख को कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। परसों हमने इनका दोबारा से टेस्ट किया था और 3 का नेगेटिव आ गया था। आज हमने इनका
फिर से सेकेंड टाइम टेस्ट किया और आज भी उनका नेगेटिव आ गया है। तो एज पर द प्रोटोकॉल अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और आज हम इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके इनको घर भेज रहे हैं और ये इनको आने वाले 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तो करनाल जिले में सिर्फ 2 केसेस अभी ऐसे बचे हैं जो एक्टिवली पॉजिटिव हैं और उन पर भी निगाह रखी जा रही है। हमें उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही रिकवर करेंगे और जल्दी ही वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इन 3 लोगों की अच्छे से ख्याल रखा और उनको जल्दी ट्रीट करके ठीक कर दिया और अब वो घर जा रहे हैं। साथ ही मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने आपकी सहूलियत के लिए कई नई चीज़ें करने जा रहा है। हमारे संज्ञान में ये मामला आया था कि मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ कुछ लोगों को आ रहे हैं तो हमने फैसला लिया है कि मोबाइल ओपीडीज़ हम शुरू करेंगे। इसके लिए हर एक ब्लॉक में हर एक गांव में मोबाइल वैन के ज़रिए मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाएंगी। कुछ आग्रह मैं सभी करनाल के नागरिकों से करना चाहूँगा। एक तो ये देखने में आया है कि जो बैंक हैं उनके सामने बड़ी लंबी लाइन लगती है और कई बार वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। तो मेरा आप सभी से अपील रहेगी कि बैंकों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने सभी बैंक मैनेजर्स को हिदायतें जारी कर दी हैं कि हर एक बैंक अपने बाहर सर्कल बनवाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवाएगा, लोग एक एक 1.5 मीटर दूर खड़े होंगे और जितना संभव हो सकेगा बैंक उनके बैठने के लिए चेयर्स भी लगवाएगा। तो लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि बैंकों के सामने विशेष करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा करनाल प्रशासन ने कल एक हमने आदेश निकाला था कि बिना मास्क के अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। यानी पूरे करनाल जिले में बिना मास्क के घर से बाहर निकलना अब दंडनीय अपराध है और उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। मास्क चाहे 3-लेयर मास्क हो या कपड़े का बना हुआ मास्क हो या और कुछ ना हो तो कम से कम अपने टावल से, तौलिए से या कोई चीज़ से आँख और नाक और मुँह को यानी फेस को कवर जरूर कर लें ताकि आपका फेस ओपन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए कोविड का जो खतरा है वो फैलने की संभावना रहती है। तो मेरी आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि जब भी एक तो अति आवश्यक कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलें और जब भी बाहर निकलें तो मास्क या अपने फेस को कवर करके ज़रूर निकलें। अगर कोई फेस को कवर करके नहीं निकलता है तो फिर वो दंडनीय कार्यवाही का पात्र होगा। हम पूरी कोशिश करवा रहे हैं कि मास्क की अवेलेबिलिटी हर एक घर में पहुंचाएं, जन जन को पहुंचाया जाए और अगर प्रॉपर मास्क आपके पास अवेलेबल नहीं भी होता है तो जो कपड़े का मास्क है वो आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं, उसको बना करके इस्तेमाल करें, लेकिन बिना मास्क के बाहर ना निकलें। कल से हम इसमें पूरी सख्ती करेंगे। अगर कोई भी इंडिविजुअल घर के बाहर बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अब तक करनाल प्रशासन का बहुत सहयोग दिया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। अगर हम इसी तरीके से मिलजुल करके इस महामारी से लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको हराने में कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।